कैसे? ठीक है। सुबह सुबह कहीं बाहर चले गए हैं? नहीं अभी तो नहीं गए, निकलने ही वाले थे अपने किसी पब्लिशर से मिलने। ओह गॉड, भैया और उनके पब्लिशर का स्ट्रेंज रिलेशन है। भैया उनके पास जाते हैं तभी वो परेशान होते हैं, नहीं जाते तब भी परेशान होते हैं। अपनी जीत से तो बहुत खुश होगी तुम। अर्चना, मुझे अपनी जीत की इतनी खुशी नहीं है जितनी खुशी इस बात की है कि जीत सच्चाई की हुई और वही हुआ जो मैंने सोचा था। और अब वही होगा जिसका मुझे डर था। सिन्हा से ये घर नीलाम करवा देंगे, जो कर्ज का पैसा बचा है उसकी वजह से इस घर का हर सामान बिक जाएगा और सिर्फ पहने हुए कपड़ों में ममा और डैडी सड़क पर मिलेंगे। अर्चना, अगर भगवान चाहता है कि हमारा ये घर ऐसे ही बना रहे तो ये कभी नीलाम नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं। बहाना पहले ही तैयार करके रखा है तुमने। अगर ये घर नीलाम हो गया तो कहोगी भगवान की यही मर्जी थी। आखिर भगवान की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है? अर्चना, भगवान परीक्षा जरूर लेता है लेकिन सजा उसी को मिलती है जिसने गलती की है, पाप किया हो। किट्टू के केस में अमन सिंघल और सिन्हा सेठ ने गलती की थी तो उन्हें सजा मिली। और मुझे नहीं लगता कि हमारे घर में ऐसा कोई इंसान है जिसने इतनी बड़ी गलती की जिसकी उसे इतनी बड़ी सजा मिली। ऐसे ही गोल गोल बातों से भैया को झांसा दिया होगा तुमने और केस जीत गई होगी। अर्चना, मैंने तुमसे पहले ही कहा कि जीत सच्चाई की हुई है। एंड बाय द वे, ये केस मैंने नहीं जीता, तुम्हारे भैया ने जिताया है। मतलब कि एन मौके पर वो सबूत गुम हो गया। वो कहाँ चला गया ये मुझे नहीं पता लेकिन वो सबूत राहुल के हाथ लग गया। उन्होंने भरी अदालत में वो सबूत जज के सामने पेश किया। उन्होंने ये भी बयान दिया कि उनका केस झूठा है और जज को अपना फैसला बदलने पे मजबूर कर दिया। वो सबूत गुम हो गया और राहुल भैया के हाथ लग गया। हाँ, किसी ने वो सबूत हमारे घर से चुराया था लेकिन वो शख्स कौन है उसका पता आज तक नहीं चला। लेकिन तुम देखना, ऐसी बातें ज्यादा दिन तक छुपती नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं उस शख्स का पता जरूर चल जाएगा और तब उसकी खैर। मसीहा, ये मसीहा कौन है? ये मसीहा वही है जो हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाता है। आंचल को भी उसी ने बचाया। पता नहीं, हमारे हर चाल पर नजर रखता है। लगता है बहुत पहुंची हुई चीज है। बिल्कुल ठीक सर। और सिंघल साहब, इसीलिए हम ये बात सोचते हैं कि जब तक हम लोग यहाँ अंदर में हैं तब तक उससे और ज्यादा जो है दुश्मनी मोड़ना। कहे कि हम लोग यहाँ अंदर में रह के उसका कुछ कर नहीं सकते और वो बाहर में रहकर बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। सिरा ठीक कहते थे, फिलहाल हमें चुप रहना चाहिए। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकलूं फिर मैं भी देखूंगा कि मसीहा क्या चीज है। आपकी क्या राय है, मैं तब तक नोटिस तो भेज ही दूं ना? नहीं 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 शर्मा जी, नहीं। फिलहाल आप एकदम बिल्कुल स्टॉप रहिए। पहले एक बार हम लोग को यहाँ से निकल जाने दीजिए, फिर देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है। तब तक आप इंतजार करिए। तो फिर मैं चलूं? लीगल एडवाइजर के सामने हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। मसीहा से हम परेशान हैं, ये बात छुप तो नहीं सकती ना। एक बात तो सही है कि हमारे हर कदम पर मसीहा ने हमें मात दिया है और हम उसे छू भी नहीं पाए। सर साहब, बस यही बात है जिसकी वजह से कि हमने गोपाल के घर की नीलामी को हमने रोक दिया। सिन्हा, राहुल ने हमें धमकी दी है, ये बात भी छुप नहीं सकती। और एक बात निश्चित है कि हमारे साथ काम करते करते वो
काफी कुछ हमारे राज जान चुका है और उसने जो बात कही कि 6 महीने की सजा वो 6 साल में बदल सकता है तो उसने कुछ झूठ नहीं बोला सिन्हा। फिलहाल हमें चुप बैठना पड़ेगा। क्या कि जेल में बैठकर दो दो दुश्मनों से निपटना बहुत मुश्किल है। सिन्हा साहब, जिंदगी में अपने आप को हमने कभी इतना बेबस और लाचार महसूस नहीं किया ना। आते वक्त मैंने नानी माँ को देखा, आपसे मिलने आई थी वो? हाँ। क्यों? ऐसे ही शादी की तैयारियों के बारे में पूछ रही थी। मेरे बारे में कुछ कहा उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। कोई शिकायत की मेरे बारे में? ये तो वो कह रही थी कि मम्मा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं राधिका बाबे के पास गई थी लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो वो सो रही थी। तो तुम वैसे ही वापस आ जाती ना? मम्मी भी वापस आ ही रही थी। मैंने भाभी के गले में बहुत ही अच्छा मंगलसूत्र देखा तो मैं तुम उनका गला दबाने चली गई। मम्मा वो औरत कुछ भी कह दी और अब सुन लेती है। अब मुझे उसका गला दबा के क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता। अब आप समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं सिर्फ उसके मंगलसूत्र को हाथ लगा रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। तुमको उसके मंगलसूत्र से क्या काम है? मम्मा, मैंने सोचा कि दीदी के लिए भी ऐसा मंगलसूत्र ले लेंगे। वो भी ऐसी औरत है ना, राय का पहाड़ बना दिया उसने। दरअसल वो कह रही थी कि तुम मैं क्या जाने दो, वो बेकार की बात कर रही थी। पर रितु बेटा, तुम समझने की कोशिश करो ना, अगर वो नहीं चाहती कि तुम उनके घर जाओ तो तुम मत जाओ उनके घर। वो इल्जाम लगाएंगी तो अच्छा लगेगा क्या बेटा? सोचो जरा इसके बारे में। पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। कहाँ डॉक्टर साहब, जैसी थी वैसी ही है, हमें तो कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। फर्क तो काफी है, नर्व्स पर प्रेशर भी काफी कम है। डेफिनेटली ये पहले से काफी ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, माजी पूरी तरह से नॉर्मल कब होगी? वो पहले की तरह बात कर पाएंगे कि नहीं? डॉक्टर, हम लोगों ने इनकी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखा और कई बार इनको हंसाने या रुलाने की कोशिश भी की है लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। दवा तो चल रही है और रिस्पांस भी काफी अच्छा है। ऐसे केस में मरीज को ठीक होने में काफी वक्त लगता है। रातों रात किसी भी इंसान की हालत इन जैसी हो सकती है, पर रिकवर होने में काफी वक्त लगता है। और ऐसे में जरूरी है कि ना तो आप अपना धैर्य खोएं और ना ही कोई उतावलापन दिखाएं। अरे लेकिन कब तक हम लोग सब अपने जज्बात कंट्रोल कर पाएंगे? इनकी ये हालत देखकर हम लोग सबकी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है ना। देखिए, भरोसा रखिए, आपकी माताजी बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। इन्हें दवाओं के साथ जरूरी है दुआओं की। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हूँ और ये आप बाजार से मंगा लें। तेरा ये हाल अब मुझसे और नहीं देखा जाता। तेरी हंसी सुनने के लिए मेरे कान तरस गए।
तेरी डांट सुनने के लिए मेरी कान तर्ज कर। जानती हूँ माँ, जब से तू ऐसी है ना, मैं बहुत बड़ा हो गया। मुझे बड़ा नहीं होना माँ। मेरे लिए नहीं तो प्रेम भैया के लिए तो ठीक हो जाओ, उनकी तो आत्मा भी आपको ऐसे नहीं देख सकती। देख तो तुम मुझे रही हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है। क्या सोच रही हो? सिद्धार्थ भी सोच रही थी कि आखिर हम जीत गए। सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है। कितना ऐसे क्या देख रहे हो? मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख हुआ ना किट्टू। I'm very sorry, किट्टू। ऐसे मत बोलो सिद्धार्थ। कभी कभी जब मैं परेशान होती तो मेरा सब पर से विश्वास हट जाता, लेकिन मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ कि किस्मत में अगर मंजिल पाने से पहले संघर्ष लिखा है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। देखो ना, किस्मत की ही तो बात है, इस शहर में तुम्हारे पापा के खिलाफ मेरा केस लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, और जब आंचल जी आई तो उन्होंने आखिर तक मेरा साथ निभाया। और कोई होता तो शायद घबराकर बीच में ही छोड़ देता, लेकिन अपने पति के खिलाफ कोर्ट में खड़े होने से तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। और राहुल ने भी जो किया वो शायद ही कोई और कर पाता। तुम्हें पता है किट्टू, राहुल ने बहुत मजबूरी में आकर मेरा केस लिया था। वो कर्ज में डूबा हुआ था, उसका घर नीलाम होने वाला था और वो इनकार नहीं कर पाया। उसके पास सच्चा सबूत था, अगर वो चाहता तो सबूत छुपा लेता और हमारा केस कोर्ट में खारिज हो जाता, लेकिन उसने सच्चाई का साथ दिया और सबूत पेश किया। और उसे इस बात का बहुत अच्छी तरह पता था कि सिन्हा इसके बाद हर हालत में उसका घर नीलाम करवा देगा। बहुत सच्चे और महान लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। सिद्धार्थ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। अब डरने की क्या बात है? जेल से निकलने के बाद तुम्हारे पापा के गुस्से का कारण तो मैं ही होंगी ना। मेरी वजह से वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। सिद्धार्थ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा के दबाव में आकर तुम मुझे? देखो किट्टू, अब पापा कुछ भी नहीं कहेंगे और अब हमारे बीच कोई भी नहीं आने वाला। सच? अगर मैं तुम्हारी ये फरमाइश पूरी कर दूं तो? मतलब ये तू शादी कर रही है? अच्छा हुआ, मैंने सोचा कुमारी मरेगी। विकास वेड्स रेनो। वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड है, लड़का भी है। यू नो व्हाट, ही इज वेरी हैंडसम। अच्छा, मैं तो नहीं मानती, सबूत दे। अच्छा, तो ये देख सबूत। आहा, वाकई काफी हैंडसम है। पैसे वैसे हैं कि नहीं? अक्सर ये होता है
कि जो हैंडसम होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते और जो पैसे वाले होते हैं वो शक्ल सूरत से राम भरोसे होते हैं। पर इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, हैंडसम तो है ही विकास और पैसे वाला भी बहुत है, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं। तुम इस तरह अचानक चुप हो गई? एक्चुअली रेनो, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाएगी ना। कमऑन अर्चना, मैं ना दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, अगर मेरा तुमसे मिलने का मन करेगा ना तो मैं कहीं से भी तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊंगी। वैसे विकास करते क्या है? विकास की यहाँ 3 कंपनीज है, फॉरेन में भी बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। अरे वाह, तू तो बड़ी किस्मत वाली है। हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी। इनफैक्ट विकास कहते हैं कि वो मेरा सिंपल नेचर और सादगी देखकर इम्प्रेस हो गए। और मैंने तुम्हें कहा था ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इनफैक्ट विकास से मिलने के बाद मुझे भी एक बात का एहसास हो गया अर्चना। किस बात का? यही कि तुम्हारी और मेरी एक्सपेक्टेशंस कितनी एक जैसी थी ना। मतलब तुम भी एक अच्छा हैंडसम पैसे वाला पति चाहती थी और मैं भी। वैसे तुम्हारे पति भी बहुत नाम वाले हैं, इनफैक्ट उनका नाम कहीं भी पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट अर्चना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम थोड़ा इंतज़ार और करती ना तो शायद तुम्हें और अच्छा पति मिलता। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि विश्वजीत अच्छे नहीं है। मुझे भी ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। एनीवे, तुम लोग शादी में ज़रूर आना, हाँ विश्वजीत को साथ में ले आना प्लीज़। मैं शादी के 2 दिन पहले तुम्हें रिमाइंडर दे दूंगी। यू हैव टू कम, ओके? चल बाय। क्या ढूंढ रही? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। ऐसे ही क्या? वो मेरी एक इम्पोर्टेंट फाइल नहीं मिल रही, उसे ही ढूंढ रही थी। ये फाइल? हाँ। ये आपको कहाँ से मिला? वहीं जा, तुम्हारी नजर नहीं पड़ी? संभाल के रखती। वैसे हमेशा बहुत संभाल कर रखती हूँ, पता नहीं आज ये कैसे गिर गया। लगता है इसकी कड़ी टूट गई है। ला मुझे दे दो, मैं ठीक कर दूँ। सुनो, ये लॉकेट प्रेम भैया की आखिरी निशानी, ये मेरे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए। अगर इस लॉकेट के जरिए ही मैं प्रेम भैया का कोई भी काम कर सकता हूं तो इसमें मुझे खुशी मिलेगी। दे दो मुझे, मैं ठीक कर दूं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।